जमीनी विवाद के चलते देवर के द्वारा भाभी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी देवर ने वार्ड पंच बेटे की धौंस दिखाकर महिला के साथ मारपीट की और पीड़ित महिला को सड़क पर घसीटने के साथ उसके कपड़े भी फाड़ दिए हैं। पीड़ित महिला बलह थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाले खाबू गांव की निवासी है। पीड़िता के परिजनों ने महिला के साथ मारपीट करने का एक वीडियो भी बनाया है। मारपीट की घटना बीते 18 अक्टूबर की है। पीड़ित महिला व परिजनों का आरोप है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी रिवालसर चौकी की टीम आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में पीड़िता परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और एसपी व एडीसी मंडी से मिलकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं इस बारे में एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को थाना में बुलाया गया था, साथ ही डीएसपी हेडक्वार्टर भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेरे साथ लड़ाई की है नरोत्तम राम ने। हमने प्लॉट ला था अपनी जमीन में बनाना, वहाँ आया है, गाड़ी गलूच दी है हमको। जब आऊँ खाना बनाने के लिए चली घर में, तो वहाँ मेरे से वहाँ से मेरे को घसीट के लग गया है, मेरे कपड़े भी फाड़ देते और मेरे को बहुत गाली गलूच दी है। वो ऊपर से ले नीचे को डियाई हम नीचे को फेंक दी। हमने 18 तारीख की कंप्लीट की है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसका, ना वो उसको बुलाया है ना कुछ ना कहा। हम अपनी पुश्तैनी जमीन में जेसीबी से प्लॉट बना रहे थे, तो वहाँ पे नरोत्तम राम आया, पहले वो वीडियो बनाने लगा, फिर ऊपर से गाली गलौच और पथराव किया, उसके बाद वहाँ से चला गया। और जब हम काम कर रहे थे तो मेरी मदर खाना बनाने के लिए घर जा रही थी, तो उसने रास्ते में उनको पकड़ा, घसीटा, उनके साथ बदतमीजी करी, उनके कपड़े फाड़े और उनको धक्का मुक्की करी। तो हमने 18 तारीख को उसी दिन पुलिस चौकी रिवर्सल में इसकी FIR करवाई और मेडिकल रिवर्सल स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। उसके अगले दिन हमें मंडी के लिए बताया, पुलिस साथ में गई थी तो मंडी में मेडिकल करवाया। तो 18 तारीख के बाद आज 22 तारीख के आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके लिए हम आज SP मंडी से और DC साहब से भी मिले हैं इस रिलेटेड कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम दोनों भाई जो हैं वो फौज में हैं और मेरे फादर मदर बूढ़े हैं और घर में अकेले रहते हैं। ये लोग जो है आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और गाली गलौज करते रहते हैं और साथ में ही जो हमारे घर के लिए जो रास्ता आता है उसको बंद कर देते हैं, जबकि इनका जो घर और जो इनके गौशाला बनाए इन्होंने सारी सरकारी ज़मीन में अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी भी हमने कंप्लेंट लिखाई थी, उसी की इनको ये हो रही दिक्कत और इससे वो हमें भी परेशान कर रहे हैं बार बार। जब भी हम छुट्टी जाते हैं तो जानबूझ कर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मैं तो उनके पास गया नहीं, लेकिन उन्होंने वो मेरी मदर के साथ कार्रवाई कर दी, सारी उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मेरे परिवार में ही है मेरा, वैसे परिवार में रियल तो नहीं है लेकिन चाचा लगता है, और इसका जो लड़का है वो वार्ड मेंबर है, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस दिन से वो वार्ड पंच लग गया हुआ उस दिन से बोल रहे हैं हमारी तो बहुत ऊपर तक पहुँचे, हम आपको कहीं तक नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही तंग करते रहेंगे। ये दोनों ऐसे बोलते हैं बाप बेटा, और हमारे साथ नहीं है गाँव में जिनको भी उनको गाड़ी देते रहते हैं, कोई भी नहीं को मिले उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं आए दिन। हमारे साथ नहीं, इनकी कई FIR हैं, हमारे नहीं और लोगों ने भी इनके FIR रिवर्सल में करवा रखी है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी सरकार इसका विभाग इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन लोगों ने ये आए दिन ही ऐसी कार्रवाई करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मामले में देवर पक्ष ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी और इन आरोपों का खंडन किया। देवर के पुत्र देशराज ने बताया कि इस वीडियो से पहले महिला ने उनके पिता के साथ मारपीट की और पिता के ऊपर गलत आरोप जड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो बनाया गया है वो साजिश के तहत बनाया गया है और वायरल भी उसी आधार पर किया गया है। इसमें कोई मतलब ये जमीनी विवाद नहीं है, एक राजनीति के चलते सब कुछ किया जा रहा है। मेरे परिवार की और मेरे परिवार की, मेरे पिताजी की छवि को खराब की करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। ये जो है अवैध भूमि में खनन कर रहे थे, मेरे पिताजी ऊपर से जब जा रहे थे तो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इसी महिला ने मेरे पिताजी का रास्ता रोका, ये उनको आगे नहीं जाने दे रही थी। और इसका लड़का यदोपति जो पिछले कल अपनी बाइक दे रहा था कि मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, ये है वो है फलाना, तो उसी व्यक्ति ने पीछे से आके द्राट लेके पहले तो फोन छुड़ाया मेरे पिताजी का, उसके बाद अपनी माँ को उकसाया कि तू अपने कपड़े फाड़ और इस व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर। इसकी माँ ने भी तुरंत अपने कपड़े फाड़े और इस मेरे पिताजी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, और मेरे पिताजी जैसे पीछे भागते हुए आ रहे थे उस महिला ने उनके कपड़े फाड़े, लात घुसे चलाए जो उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये व्यक्ति जो है मतलब ये इतना बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, ये वीडियो बनाता रहा, ये किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति है? अगर ये सच्चा होता तो कोई भी माँ का बेटा नहीं है जो मतलब इस हरकत को देखता, या तो इस अगर इस हकीकत होती तो ये इसको रोकता,
और इनके किसी और मानसिकता की थी, इनकी तो ये मानसिकता थी कि मेरे पिताजी को जो है ना पहले मतलब इस तरह की वीडियो बना के फंसाना चाहते थे, फिर ये द्राट से हमला करके जान से मार देते। ये तो समय रहते मेरी माता जी वहां पहुंच गए, मेरे पिताजी जब चिल्लाए तो समय रहते पहुंच गई और उन्होंने जो है इस सारे मामले को शांत कर दिया। और इन्होंने मतलब ये बोलते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या कुछ नहीं हो रहा है, पुलिस हर तीसरे दिन मेरे हर दूसरे दिन मेरे पिताजी को चौकी में बुला रही है। और इन्होंने इसी तरह का जैसे आरोप पुलिस पे लगाया, इसी तरह के आरोप इन्होंने पहले कानूनगो साहब के ऊपर लगाए थे, जो इन्होंने बात करी है कल की इनके पास अवैध भूमि है, इनके पास अवैध भूमि है। जब इसके ऊपर 163 की कार्रवाई की जा रही थी तो इस महिला ने कानूनगो के साहब के ऊपर भी इसी तरह के एलिगेशन लगाए थे एसडीएम महोदय के बाद और डीसी महोदय के बाद जाके कंप्लेंट देके, जो मतलब उसमें अपने प्रधान जी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी वहां पे मौजूद थे जब इनकी 163 की कार्रवाई की गई थी। तो इस महिला ने आरोप लगाया कि मुझे जो है गाली गलौज किया कानूनगो साहब ने, जबकि उस बात का सारा खंडन जो है इन लोगों ने नायब तहसीलदार जी के पास जाके फॉरेस्ट बीओ और पंचायत प्रधान और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है। ये महिला इसी तरह के फंसाने की ये हर बार कोशिश करती है, हर तरह की इसी तरह के काम करती है। और ये इसके साथ इसके ये दोनों लड़के मिले हुए हैं, ये मेरे परिवार की छवि को नीचे गिराने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि मतलब इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अपनी माँ को इस अवस्था तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। तो मेरे तो प्रशासन से यही गुहार है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए।